वक्त की बात करते हैं, विराज भक्ति की बात को मुद्दा बनाकर चुनाव जाएंगे तो पूरे मीडिया में शाम को उसी में शेयर रखेगा। तो ये सर्टिफिकेट कौन देगा? क्या हम लोग बैठे ऐसे राष्ट्रभक्त नहीं है? हम लोग हिंदू नहीं है? हिंदू बनने के लिए बीजेपी में फॉर्म भरना जरूरी है? टीका लिखा हुआ तो ये लोग कर ऐसा माहौल बना दिया। उस माहौल में देश चल रहा है, इस माहौल में देश चल रहा है। आज लोकतंत्र को खतरा है, हर नागरिक को यह समझने की आवश्यकता है। संविधान को खतरा है, देश को खतरा है। अगर मोदी जी आ रहे थे कि लोग वापस आ गए, वापस सत्ता में आगे चुनाव भी होंगे कि नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस खतरनाक वोट पे देश खड़ा है, ये बातें मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, सोच समझ के बोल रहा हूं। अगर नहीं समझेंगे तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा, आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। इस खतरनाक मोड़ पे ये देश खड़ा है, लीचिंग हो रही है, कोई सुरक्षित महसूस नहीं करता अपने आप को। अच्छी बात है तो मोदी जी के मुंह से निकलने में देखा ही नहीं, क्या चित्रधार में कुछ नहीं हुआ? अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं आपको कहना चाहूंगा, सबको कहो हमें वोट देने की आवश्यकता नहीं आपको, और सब कुछ हुआ है तो बीजेपी को सबक सिखाने का वक्त आ रहा है। पार्लियामेंट चुनाव उसका आपको साथ मिला, क्या नफाजी हो रही देश के अंदर? अमित शाह क्या बोल रहे हैं, मोदी जी क्या बोल रहे हैं, पंडित नेहरू आजादी के बाद में जो 10-12 साल जेल में बंद रहे थे उनके बारे में किस प्रकार से सोशल मीडिया में नीचे नीचे उनके कामगार के बारे में बताया जा रहा है। अरे 12 साल जेल में रहने का इतिहास किसने बनाया? आपकी पार्टी का तो एक व्यक्ति ने अपनी उंगली तक नहीं कटाई है, एक दिन जेल में गया है, आजादी जंग में सिर में झंडा लेकर के कितने लोग शहीद हो गए, फांसी के फंदे पर चले और लाठियां खाई, गोलियां खाई, सजा के मुल्क आजाद हुआ गांधी जी के सानिध्य में। लोकतंत्र में काम किया तो कांग्रेस ने किया, गांधी जी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया, चित्रधार में संविधान की रक्षा करी है। मोदी जी ने कहा इतना खतरनाक आतंकवाद फैला हो गया था, हमारी अभिचार बोला दी आतंकवादियों ने, मैं उसको सिविल एविएशन मिनिस्टर खुद था, 400 लोग मारे गए थे आयरलैंड के अंदर, 400 लोग मारे गए थे, कनिष्ठ विमान था। क्या मोदी जी को याद नहीं है कनिष्ठ विमान कितने लोग मारे गए थे? आतंकवाद का मुकाबला करते करते इंदिरा गांधी ध्यान दे दी, कभी जिक्र किया उन्होंने? राजीव गांधी कहते थे 21st सेंचुरी में जाएंगे हम लोग, आज मोबाइल हाथ में सबके हैं, कंप्यूटर आ गए हैं, इंटरनेट की सेवाएं हैं, किसका सपना था? राजीव गांधी ने था। कभी कहा मोदी जी के नाम अंजारे में निकला? कभी नहीं निकला। कांग्रेस हर भाग बनाएंगे, अरे कांग्रेस चौके तो 57 जने के बावजूद गांव गांव है, 6.5 लाख गांव है देश के अंदर, और कांग्रेस वोट भाग बनाने वाले खुद को फुलाएंगे देश के। जब वाजपेयी गवर्नमेंट थी वो विज्ञापन दिए इंडिया साइनिंग फील गुड, जनता उसको भी समझ गई थी कि समझदार जनता है, ये वाजपेयी जैसे व्यक्ति को हरा सकती है। मोदी जी आपका तो जो घमंड और गरूर है, जनता इंतजार कर रही है, वो समझती है कि आप आतंकवाद के नाते क्या करना चाहते हो, वो समझती है कि आपने आतंकवाद खत्म करने की बात करी थी। कांग्रेस के शासन में तो 4,500 आतंकवादी मारे गए थे, आपके घर में 400 मुस्लिम मारे गए हैं, किसी बात करते हो? जिस प्रकार से माहौल बनाया गया उस
तो आप लोगों को समझ नहीं कर सकता है। मैं तय करना चाहूंगा कि सरकार आप कृपा करके सारे मतभेद भूलो, हाईकमान फैसला करेगा टिकटों का, उसका इंतजार करो और ये आप मन में संकल्प कर लो, टिकटों तक की लड़ाई अलग है। टिकट दो होते तो मैं दो टिकट देता, तीन होते तो फायदे साहब बैठे रहे, हम लोग मिलकर बात करते तीन टिकट बांट दो, अविनाश जी को कहते हैं टिकट तो एक ही होता है। कृपा करके जो लड़ाई चल रही है ना, वो आपको भी मालूम है, हम सबको मालूम है, हम सबको मालूम है कौन कौन उम्मीदवार है। उम्मीदवार तो हर जिले के अंदर है, होने भी चाहिए, होने भी चाहिए, पर लड़ाई होनी चाहिए टिकटों तक होनी चाहिए। टिकट मिलने के बाद में अगर मन में संघर्ष होगा, हम सच्चे कांग्रेसी हैं, देश के हालात को समझते हैं, चुनौती लोकतंत्र में खतरे की है, संविधान को बचाने की है, देश को बचाने की है, जिसके दिन में ये दर्द होगा मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपनी बात शालीनता से कहेगा हाईकमान के सामने। और टिकट मिलने के बाद में फिर ना किंतु है ना परंतु है, सबको मिलकर हमें उसको कामयाब करना है। और नागौर की सीट में जो माहौल है जनता में, वो माहौल एक तरफा है, कांग्रेस शानदार कांग्रेस जीतना चाहती है, जीतेगी, ये आप खुद जानते हैं। जनता चाहती है और फिर भी हम कामयाब नहीं हो कि जनता दिन में क्या गुजरती है, उस बात का इशारा सबको होना चाहिए। यही बात का तब अपने पास समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। कानून बना के जनता को अधिकार देने का, नरेगा हो, रोजगार का, शिक्षा का अधिकार हो, खाद्य सामग्री का अधिकार हो, सूचना का अधिकार हो, कानून बना के इस देश की जनता को अधिकार देने के युग की शुरुआत की है। तो सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, हर प्रधानमंत्री का एक अलग नजरिया होता है, बात करने का ढंग होता है, संदेश देने का ढंग होता है। मोदी जी का बहुत निराला ढंग है, उनके हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके लटके झटके अनेक तरीके के आप देखते हैं टीवी के अंदर। और व्यक्तिगत आक्षेप कभी प्रधानमंत्री ने आज से कभी इतिहास रखे ही नहीं, किसी प्रधानमंत्री ने किसी पे व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किया। मोदी जी वो शख्स है जो राहुल गांधी जी के बारे में क्या क्या नहीं बोलते, आप देखते हो उनके परिवार के बारे में, ये कभी नहीं हुआ। विदेश में जाएंगे, हिंदुस्तान में सिद्ध साहब में कुछ नहीं हुआ था, हमारी शुरुआत करी, ये अच्छी परंपरा नहीं है जो उन्होंने इस बार स्थापित करी है। आज तक कोई प्रधानमंत्री दुनिया किसी मुल्क में गया, हिंदुस्तान में पिछली गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, मैं सब कुछ करूंगा, ये किसी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं कहा होगा, जो मोदी जी ने कहा। दुनिया की पैदा करना कैसे संभव हुआ, बोल के पंडित नेहरू को कभी कभी कहा मोदी जी ने, तो पंडित नेहरू का योगदान भी था। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश को क्या कर दिया, 90,000 कर्नल जनरल मेजर सैनिकों को हथियार चलवा दिए, धरण करवा दिया, किसानों की दर नहीं बढ़ेगी बिजली की। पहले भी मैंने कहा था नहीं बढ़ी थी, उस वक्त 1,00,000 किसानों कनेक्शन देंगे बिजली के, जो हमने कहा था वो आपके सामने है। पेंशन हमने बढ़ा दी 500 से 750 कर दी, 750 कर दी, अभी हमें आते ही 2 रुपये किलो बजाय गरीब को 1 रुपये किलो गेहूं देना शुरू कर दिया, बीपीएल परिवारों को, जनरल कैटेगरी के लोगों को 10% आरक्षण की बात करी थी, वो भी मैं लागू करी राजस्थान के अंदर, लड़कियों की शिक्षा 12वीं तक मैंने फ्री थी, कॉलेज की फ्री कर दी इस बार हम लोगों ने। और तो पानी का बिल पहली बार आपके बिल नहीं आएगा गांव के अंदर, जो ज्यादा खर्च के लोग बात छोड़ो, पानी का बिल भी नहीं आएगा, पानी फ्री कर दिया है शहरों में भी गांव में भी।
पहली बार हुआ है। कोई ज्यादा ही पानी खर्च करेगा उसका मैं नहीं कह सकता, आज खर्च कर रहे हैं उन सबके माफ होंगे। छोटे उद्योग लगाने वालों के लिए पूरे देश में कड़ी सरकार राजस्थान की है, जितने किया है छोटे उद्योग लगाने वाले को अब सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 साल लगातार वे लोग बिना सरकार को पूछे हुए अपना उद्योग धंधा शुरू कर पाएंगे। 3 साल सरकार को कुछ नहीं पूछेगी, ये फैसला हिन्दुस्तान ने पहली बार हमने किया था 15 दिन पहले किया। रोजगारी भत्ता में देना शुरू किया 3,000-3,500 रूपये 40,000 नौजवानों को जिनको भत्ता मिलता है उनमें सेलेक्ट करेंगे हम एक गांव में एक जो सरकार का नुमाइंदा होगा और जनता के सुख दुख में काम आएगा, सरकार और जनता के बीच में कड़ी का काम करेगा। इस प्रकार की योजना मैंने घोषित करी है, चुनाव खत्म होते उसको लागू कर लेंगे। हम लोग पहले भी हम लोग कमी नहीं रखी, पिछली बार सरकार हमारी थी चाहे दवाइयां फ्री थी टेस्ट फ्री कर दिए, हिन्दुस्तान में कहीं भी नहीं हुआ। एक नया इतिहास बनाया था, लैपटॉप दिए बच्चों को, पेंशन की सब शर्तें डाली उस वक्त में हम लोगों ने, इंदिरा गांधी कहना